नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा बड़ी खबर है। कांग्रेस ने कहा है कि शिक्षक अध्यापकों को मध्याह्न भोजन से मुक्ति मिले, यानी कि स्कूलों में मध्याह्न भोजन का काम अध्यापकों से न कराया जाए। विस्तार जानेंगे आखिर यह खबर किस संदर्भ में, ये भी जानेंगे, इसलिए आप जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने प्रचार लिखें। तो आइए जानते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने में मांग की गई है कि महिला बाल विकास से ठेकेदारी प्रथा को पूरी तरह से खत्म किया जाए। ग्रामीण इलाकों में महिला बाल विकास द्वारा 7 महीने से खाद्यान्न एवं राशि प्राप्त नहीं हो रही है। समूह और रसोइयों का भुगतान प्रतिमा होना चाहिए, लेकिन पिछले 9 माह से रसोइयों का भुगतान नहीं हुआ है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष श्री के मिश्रा ने आज जारी एक बयान में कहा है कि वहीं महिला बाल विकास विभाग भिंड के 5 साल के बैंक स्टेटमेंट की जाँच कराई जाए। श्री मिश्रा ने बताया कि स्व सहायता समूह की महिलाएं इस अव्यवस्था के कारण परेशान हैं। हाल ही में प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश और MDM साझा चूला स्व सहायता समूह संगठन के सदस्यों ने जिला अध्यक्ष सपना सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। भिंड में तो वर्ष 2006-07 से मध्याह्न भोजन का कार्य स्व सहायता समूह को सौंपा गया है, लेकिन शहर में मध्याह्न भोजन का कार्य स्कूलों में अध्यापकों द्वारा किया जा रहा है। इसी तरह की अव्यवस्था दूसरे शहरों में भी सामने आई है। इन सारे मामलों की तत्काल जांच करके व्यवस्था में सुधार लाया जाए। तो दोस्तों, खबर पढ़ाई के मद्देनज़र नहीं है कि MDM बढ़ने से अध्यापक पढ़ा नहीं पाते या बच्चे पढ़ नहीं पाते, उसको लेकर नहीं है। ये कुछ अव्यवस्था है, उनके कारण से जो है अध्यापकों को मध्याह्न भोजन से मुक्ति मिले और स्व सहायता समूह को दिया जाए, इस प्रकार की कांग्रेस ने मांग की। इस पर अपने विचार लिखे हैं, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।